नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं अजवाइन के पत्तों के पकौड़े। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हम अजवाइन के बड़े पत्तों का उपयोग करेंगे, इससे ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसका घोल बनाएंगे। उसके लिए हम एक छोटी भगोनी लेंगे और अब हम इसके अंदर 4 बड़े चम्मच बेसन के डालेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, तो मैं इसमें एक छोटी चम्मच अजवाइन, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा घोल तैयार है। तो आइए हम अब तेल गरम करते हैं। तब हम इसके अंदर तेल डालेंगे, तो इसे हम ज़रा डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो हम थोड़ा इसमें कम ही तेल का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा तेल अब गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने पकौड़े तलना स्टार्ट करते हैं। जब आप इसे तल रहे हो तो आप फ्लेम को मीडियम पर रखें। तो आप देख सकते हैं उनका कलर अच्छे से आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के हम इसमें तलने के लिए डालते हैं। तो हम अब बाकी डालेंगे इसके अंदर सारे जितने भी हैं। तो हमारे अजवाइन के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हो ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप इसे सॉस के साथ और चटनी के साथ दोनों के साथ खा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो ला सकें। देखने के लिए